मोतिहारी जिला यानी पूर्वी चंपारण जिला के अंतर्गत लगभग पिछले 10 दिनों के अंदर में मतलब 12 से 15 जगह अग्निकांड हुआ, यानी कि आगलगी का घटना हुआ है। और लगभग 480 जो मेरे पास रिपोर्ट आए हैं, 480 जो मुखिया हैं, घर के जो मुखिया होते हैं उनका नाम मेरे पास आया है, 480 घर जले हैं। आंकड़ा आगे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम तो नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, लेकिन जो मेरे पास आंकड़ा प्राप्त हुआ है वो 480 परिवार है। निश्चित रूप से सरकार की व्यवस्था एक पोलोथीन तक है और 9800 की राशि, वो भी तमाम प्रक्रिया करने के बावजूद। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार वो भी व्यवस्था उचित समय पर नहीं दे पा रही, तो हम लोग जो सामाजिक लोग हैं अपने स्तर पर से आर्थिक सहयोग ले करके, और पैसा कैश किसी से नहीं लिया गया है, जो सहयोग करना चाहा है उसे सामान हम लोगों ने लिया है, सामान लिया है। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम हमारे समाज के कुछ अच्छे लोग कर रहे हैं, तो उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ, 480 परिवार जहाँ पे नुकसान हुआ है अग्निकांड से, 5-5 किलो का राशि ये सामान का जो पैकेट है हम लोग तैयार करवा रहे हैं, और पैकेट तैयार करवाने के भरसक हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, हर घर तक मदद पहुँचा दे उतनी औकात भी हमारी नहीं है, लेकिन एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जितना घर तक हम पहुंचा सकते हैं उतना घर तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये फिलहाल इतना राशन का यहाँ व्यवस्था हुआ है, कुछ राशन और वहाँ पे रूम पर भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है, वो पैकेटिंग का जो काम हो रहा है वो चालू है, पैकेट बन रहा है, कुछ पैकेट में चिवड़ा है, चावल है, मीठा चिवड़ा है, चावल है, मीठा है, उसके बाद कोई बिस्किट वगैरह भी है, आटा भी है, और आलू है, प्याज है, और सरसों का तेल भी है। इन तमाम सामग्री का एक पैकेट हम लोग तैयार कर रहे हैं, और वह पैकेट भरसक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो जो घर जो पूर्ण रूप से क्षति हो गया है, जल गया है, लोगों का एक आशियाना तक नहीं है, वैसे परिवारों तक हम यह मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आप तमाम लोगों को भी कहना चाहते हैं कि कुछ घर और जगह जो हमसे छूट जाए, कमेंट में उस जगह का टोटल एड्रेस के साथ और जिसका घर जला उसका मोबाइल नंबर के साथ कमेंट करिएगा, वहाँ उससे बात करके उसको भी हम लोग मदद पहुँचाने का काम करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक सब तक जरूर पहुँचाइएगा, जहाँ लोग देखें अगर उनको सुविधा नहीं मिल पाता है सरकार के द्वारा, वो हमें मैसेज करेगा, हम उसका मदद करने का काम करेंगे, वहाँ पहुँचने का भी काम करेंगे। और पूर्ण रूप से सरकार के भरोसे हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तत्काल कम से कम 5 लाख रुपये हर परिवार को मिलना चाहिए था घर बनाने के लिए, राशन खरीदने के लिए, अपना फिर से जीवन शुरू करने के लिए, कम से कम सरकार की तरफ से अग्निपीड़ित परिवार को 5 लाख 4 लाख अरे 3 लाख 2 लाख रुपए कम से कम मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। ये 9800 की राशि जिस सर ढंग से ना खाना भी हो पाएगा, ना राशन हो पाएगा, घर बनाने का तो छोड़िए। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास में चंपारण में, अगर आपके आसपास में कहीं अग्निकांड हुआ है, उसका जानकारी हमें कमेंट में लिखकर जरूर दे। वही वह बहुत सारा सरकार के पास बहुत सारा प्रक्रिया है, आवास योजना है, जो भी योजना है, तत्काल इमरजेंसी में उसको आवास योजना का लाभ देना चाहिए। सूची करके सीओ हैं, कर्मचारी हैं, उन सबसे रिपोर्ट तैयार करवाइए, रिपोर्ट तैयार करवाने के बाद जो ओरिजिनलिटी है उसके तहत आप उनको सुविधा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास में कहीं भी अग्निकांड हुआ है तो हम लोगों के संगठन को बताएं, हम लोग वहाँ भरसक पहुँचने का प्रयास करेंगे और मदद करने का प्रयास करेंगे। सरकार करे या ना करे, चंपारण के हम लोग हैं तो चंपारण के जगह विभिन्न जगहों पर हम लोग मदद पहुँचाने का काम पहले भी करते थे और आज भी हमारा सेवा जारी है। चुनाव आया है, 1 महीना बाद चुनाव चला जाएगा, नेताजी आएंगे 1 महीना के बाद नहीं आएंगे, वो प्रक्रिया अलग है, लेकिन अनिकेत और हमारे संगठन के जो भी लोग हैं वो हमेशा हम लोग सालों भर रहते हैं और हमने 365 दिन और 24 घंटा वाला नेता है, हमने का कहीं चुनाव में आके भागने वाला नेता नहीं है। तो जहां भी आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, अगर आपके आसपास में अग्निकांड हुआ है, वहां सरकारी व्यवस्था नहीं पहुँच पाया है, तो हमें जानकारी दे, कमेंट में वह एड्रेस लिखे, और जिनको नहीं मिला है उनका नाम मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा, ताकि हमारा टीम उनसे संपर्क कर सके, हमारा टीम जाके उनको मदद कर सके। विशेष अंत में इतना ही कहना चाहते हैं, अगर आसपास में आप खाना बना रहे हैं तो खाना जहां बना रहे हैं लकड़ी से, वहां एक बाल्टी पानी रखें, सिगरेट उगरेट कहीं फेंक के आलतू फालतू में कहीं ना फेंके, आग अगर कहीं भी जल रहा है वहां पे एक बाल्टी पानी रखें, उसको बुझाने का प्रयास करें। खाना भी बना रहे हैं चूल्हा पर अगर लकड़ी से, तो चलता हुआ चूल्हा छोड़ कर कोई अन्य काम में ना जाएं, नहीं तो लकड़ी जलते जलते भी घर में आग फैल जाता है। तो एक आपके छोटे से लापरवाही से
पूरा पूरा मोहल्ला और गांव समाप्त हो जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पर सतर्क रहे, सुरक्षित रहें और ध्यान दें अपने घर के आसपास में। और एक चीज़ और, जहां तक हम लोगों को मदद पहुंचाना, हम तो पहुँचाइए रहे हैं, लेकिन आपके घर के अगर आसपास के 100 मीटर में अगर कोई पीड़ित है तो आप लोग ही उनको खाना के लिए पूछिए, राशन के लिए पूछिए। नहीं जाए जगह रहने का तो रहने का जगह दीजिए। मानवता के नाते, इंसानियत के नाते ऊपर वाला भगवान बैठ के देख रहा है, कुछ प्रयास करिए, कुछ लोगों का मदद करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब तक पहुँचाइए ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। अंत में इतना ही कहना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।